Hello students, welcome in study skill better understanding. और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोग्राफी के बारे में, क्योंकि पहले हमने लास्ट वीडियो में ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात की थी. अब हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोग्राफी के बारे में. बायोग्राफी क्या है, बायोग्राफी की डिफिनेशन क्या है, कुछ बायोग्राफीज के एग्जांपल्स क्या हैं, और बहुत ही सरल तरीके में आपको समझ में जाएगा कि जो है बायोग्राफी होती क्या है एक्चुअली. देखो, अगर हम डिक्शनरी के डेफिनेशन को लेते हैं तो डिक्शनरी बताती है अ बायोग्राफी इज अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स एज अपोज्ड टू एन ऑटोबायोग्राफी व्हिच इज रिटन बाय दैट पर्सन. मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यह है कि एक बायोग्राफी वो हिस्टोरिकल रिटन रिकॉर्ड है जो किसी और के द्वारा लिखा जाता है, यानी जिसका है वो उसके द्वारा नहीं लिखा जाता बल्कि किसी और के द्वारा लिखा जाता है. और ये जस्ट ऑटोबायोग्राफी का अपोजिट होता है. अपोजिट क्यों होता है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी तो खुद के द्वारा लिखी जाती है जबकि जो बायोग्राफी है वो किसी और के द्वारा लिखी जाती है. आगे व्हिच इज रिटन बाय दैट पर्सन, यानी कि उस पर्सन के द्वारा लिखा जाता है जो कि दूसरा व्यक्ति होता है, यानी कि वो व्यक्ति नहीं होता है जिसकी वो लाइफ स्टोरी होती है. ये तो हो गई बात डेफिनेशन की, जो कि डेफिनेशन दी गई है. डिक्शनरी डेफिनेशन की बात करते हैं. अगर हम बायोग्राफी की हिस्ट्री में जाएं तो हमें ये पता चलता है कि लगभग 4th century BC में वेस्टर्न ट्रेडिशन में जो है बायोग्राफी की शुरुआत हुई लिखने की. तो जब शुरुआत हुई तो वहाँ पे जनरल हिस्टोरिकल लोग जो थे वो कुछ इस टाइप का जो है बायोग्राफी टाइप लिखते थे. उसमें क्या हुआ कि उसमें कुछ चीज़ें निकल के आईं और धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग अपनी लाइफ पूरी इंटायर लाइफ को जो है लिखने के लिए क्या हुआ कि किसी अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है या कोई बहुत प्रोमिनेंट व्यक्ति है तो धीरे धीरे क्या हुआ उनके बारे में लिखना शुरू हो गया. अब कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता हूँ, कुछ फीचर्स के बारे में बात करता हूँ जिससे हम समझ पाएंगे कि बायोग्राफी होती क्या एक्चुअली. पहली बात तो यह है, बायोग्राफी पर्सन के सराउंडिंग को डिस्क्राइब करती है, मतलब उसके लाइफ के बारे में, उसके आसपास जो भी चीजें हैं यानी कि उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में बात करती है. दूसरी चीज ये है कि ये जो है हमें कुछ डिटेल्स बताती है, किसके बारे में, उस पर्सन की इंडिविजुअलिटी के बारे में, यानी कि सप्लाइज डिटेल्स दैट इलस्ट्रेट द पर्सन्स इंडिविजुअलिटी, यानी कि उस व्यक्ति जिसकी बायोग्राफी होती है उसके बारे में कुछ इंडिविजुअल उसकी डिटेल्स बताती है. इंडिविजुअल डिटेल जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी अब बायोग्राफी लिखी गई, मान लीजिए वो व्यक्ति उसको मान लीजिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी तो वो उसमें आपको मिलेगी कि भाई ये चीज़ उनको बहुत पसंद थी. इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स एग्जांपल्स दैट डेमोंस्ट्रेट द पर्सन्स बिहेवियर. इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इस तरह के व्यवहार उस व्यक्ति का था. मान लीजिए मैं अलेक्जेंडर पॉप की बायोग्राफी लिख रहा हूँ या कोई किसी ने लिखी है तो वो बताएगा कि भाई अलेक्जेंडर पॉप, जैसे आपको भी पता होगा, बहुत दुबला पतला व्यक्ति था फिजिक्स से, इसके अलावा बहुत ही गुस्से वाला व्यक्ति था, जो है चिड़चिड़ा व्यक्ति था, एकदम चिड़चिड़ापन जो है उसके अंदर था. तो ये सारी चीज़ें जो है जब किसी की बायोग्राफी लिखी जाएगी तो उसके अंदर जरूर डिस्कशन होता है, बात होती है. तो तीसरी चौथी बात ये है कि अगर हम बात करें तो इट शोज हाउ द पर्सन अफेक्ट्स अदर पीपल. बायोग्राफी में ये बताया जाता है कि भाई मान लीजिए किसी की बायोग्राफी है तो वो दूसरों को क्या प्रभाव पड़ता है उससे, यानी कि उस व्यक्ति का प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ा. मान लीजिए गांधी जी की बायोग्राफी है तो गांधी जी का प्रभाव देश पे, दुनिया पे, दूसरे लोगों पर क्या इन्फ्लुएंस रहा, उनका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में भी बताता है. ये तो हो गई आपके बायोग्राफी
की डिटेल। अब अगर मैं बायोग्राफी को और एक लाइन, मतलब एक दो लाइन में अगर आपको समझाऊं, तो ये है कि बायोग्राफी किसी और के द्वारा लिखा गया एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि किसी और की लाइफ के बारे में होता है। और बायोग्राफी, जैसा हम देख रहे थे, ऑटोबायोग्राफी कंप्लीट नहीं होती है, बायोग्राफी हमेशा कंप्लीट होती है। क्यों? क्योंकि किसी की मृत्यु के बाद कोई दूसरा लिखता है तो उसकी पूरी लाइफ की स्टोरीज को पता होती है। दूसरी चीज, ऑटोबायोग्राफी की अपेक्षा बायोग्राफी जो होती है उसमें फैक्ट के सच होने के कम चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस होता है, यानी ऑटोबायोग्राफी तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होती है, लेकिन बायोग्राफी सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस होती है। सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस का मतलब ये कि मान लीजिए मुझे किसी की बायोग्राफी लिखनी है तो मैं उसके आसपास वाले रिलेटिव से मिलूंगा, फ्रेंड से मिलूंगा, उसके बारे में रिकॉर्ड खोजूंगा। हो सकता है कुछ रिकॉर्ड गलत भी मुझे मिल जाए, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में कुछ गलत बता दे, लेकिन हमें क्या पता वो गलत है, तो वहां गलत भी हो सकता है। और नेक्स्ट बात इसके अंदर जो है वो ये है कि देखो, ये रिटर्न रिकॉर्ड तो है ही है, तो हमें समझना ये है कि बायोग्राफीज तो लगभग, ये मान के चलो जितने प्रोमिनेंट लोग हैं लगभग सबकी बायोग्राफीज लिखी गई हैं, और वो बायोग्राफीज किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती हैं, ठीक है ना। तो एक अगर एट अ ग्लांस मैं आपको बताऊं तो बायोग्राफी एक रिटर्न रिकॉर्ड किसी और के द्वारा लिखा जाता है दूसरों के लाइफ के बारे में, और ये सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस होता है, उसके द्वारा नहीं लिखा जाता जिसकी ये होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आगे आप ऐसे करते रहिए, और इसी सीरीज में मैं आगे नेक्स्ट और लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है और नेक्स्ट पॉइंट क्या है। बस ये है कि आप वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब के बाद एक बेल वाला जो बटन है उसे दबाएंगे तो हमेशा के लिए क्या होगा, जो भी मैं वीडियोस डालूंगा उसका जो है आइकन आपके उस पर जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ आपको पसंद आती है तो आप कमेंट कीजिए प्लीज़, क्योंकि हमें भी पता चलेगा तो हमें और थोड़ा सा उत्साह होगा और हम और अच्छी चीज़ें लेके आपके लिए आएंगे। अभी हम जनरल केवल बीए फर्स्ट ईयर के लिए बात कर रहे हैं, इसके बाद हम जो है और बहुत सारी चीज़ें, कॉमन चीज़ें लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।